उत्तरकाशी में आयोजित खेल महाकुंभ में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ समापन 2024 हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 17 नवंबर से हुआ है। समापन अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र राणा ने प्रतिभागियों को नशे के दुष्प्रभावों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राजकीय पदों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। 100 मीटर बालक वर्ग की दौड़ में डुड्डा के अनिकेत ने बाजी मारी, वहीं पुरोला के सौरभ ने दूसरा और नौगांव के समीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में नौगांव की दिशा प्रथम, भटवाड़ी की कल्पना द्वितीय और चन्याली सॉट की मानसी तीसरे स्थान पर रही। वहीं बालिका वर्ग में भी नौगांव ने बाजी मारी। प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कुंभ न्याय पंचायत स्तर से प्रारंभ हुआ था और आज जनपद स्तर पर इसका समापन है और ये लगभग जनपद स्तर पर 7 से 8 दिन पूरी प्रतियोगिताएं चली और इसके आयोजन में जो विभिन्न वर्ग के आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, अंडर 20 की जो कबड्डी की टीम प्रथम आई वो विकासखंड नौगांव की आई, सेकंड पुरोला की आई और थर्ड डुंडा की आई। इसी क्रम में अंडर 17 के जो खो खो के बालक थे उन्होंने प्रथम स्थान चिनाली सोड़ ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान विकासखंड नौगांव ने और तृतीय स्थान विकासखंड डुंडा ने। प्रथम स्थान और जिन बच्चों का चयन टीम इवेंट्स में हुआ है वो प्रतिभा करेंगे और मुझे आशा है कि वो उत्तरकाशी जनपद का नाम राज्य स्तर पर रोशन करने का काम करेंगे। पर जो है साधन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बच्चे प्रतिभाग करते हैं, खेलने के लिए आते हैं। दूरस्थ स्थान जहाँ मैं खुद भी जाती हूँ, मोरी और नौगांव इतनी दूर दूर है, लेकिन बच्चों के अंदर इतना इंटरेस्ट है कि वो सभी लोग यहाँ पर खेलने के आए हैं, प्रतिभाग करते हैं। और बढ़ चढ़ के अब सरकार ने भी बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए प्रबंध कर दिया, बच्चों का रहने का खाने का हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमारे खेल मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा करा जा रहा है। जो इन बच्चों को कभी पहले जैसे भोजन नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है, जब भी बच्चा आता है उसे आने जाने का किराया मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है, खाने का सारा कुछ मिलता है। हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, सरकारों ने अपने स्तर पर, भारत सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से हमारी जो गाँव में जो खेल के माध्यम से जो प्रतिभाएं हैं वो निखर करके बाहर आए, तो इसी प्रकार से राज्य की सरकार ने खेल महाकुंभ का आयोजन करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी खेल की प्रतिभाएं हैं वो निखर करके आगे आए, वो न्याय पंचायत में खेलें, उसके बाद ब्लॉक में और ब्लॉक के बाद प्रतियोगिता के माध्यम से वो जिला स्तर में, जिले से जो राज्य स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर राज्य में 4% आरक्षण लागू करके खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन देने का काम किया है। इसके साथ जो खिलाड़ी हमारे हर स्तर पर प्रतिभा करते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के माध्यम से भी उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं।